Hey guys, welcome back to our channel Delhi Into Twins. We hope कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो guys, आज हम reaction देने वाले हैं इश्क मुश्किल ड्रामे के episode 28 पर। तो guys, ज़्यादा time waste नहीं करते, आगे देखते हैं कि आगे क्या story चल रही है। साथ में देखते हैं episode, enjoy करते हैं उसके बाद बात करते हैं। जो तू कहे। वैसे तो slow हो गया यार ड्रामा। काफी slow हो गया। नटो, एक चाय तो ले आओ मेरे लिए। एक कप मेरे लिए भी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेमी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात का? मेरा डिपार्टमेंट का रुका हुआ लोन अप्रूव हो गया है। लेटर भी आ गया डिपार्टमेंट से। ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर मैंने नहीं कर पाया। खुद हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी बात नहीं है। आप बताएं, ठीक हैं आप? आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। शामीर साहब, आप फजल बख्श से तो रोज मुलाकात होती रहती है, आज आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मुनव्वर, तेरे लिए ना मैं फजल बख्श था और जिंदगी भर फजल बख्श रहूंगा। Love you. कल तकरीर सुनी है तुम्हारी। You spoke so well. Thank you, sir. लग नहीं रहा था कि तुम बोल रहे हो, लग रहा था कि जैसे ज़ुबैदा सिकंदर की रूह उतर आई है तुम्हारे अंदर। अब यकीन करो, तुम्हारी तकरीर सुन के लोगों की जो शिकने हैं ना, उनसे अब तकरीर दूर हो जाएंगी। Thank you, sir. So, what brought you here? फजल बख्श के कुलीग से मिलने आए हो? हाँ सर, मिस कर रहा था लोगों को, खास तौर पे मुनव्वर को। सर बहुत काम किया इसने मेरे लिए। सर आपसे बात भी करनी थी, एक अगर हम रूम में बैठ के बात करें। हाँ, why not? आओ, चाय तो भिजवाओ। आ जा, आओ। मैं भिजवाओ। नटो। तुम्हारे साथ गुजारे हुए पल बहुत याद आते हैं। मुझे भी। शुभ्रा कैसी? अच्छी है सर, वो CSS के पेपर्स देने वाली है, उसको मालूम नहीं है, तो सरप्राइज दूंगा उसे। मतलब उसके फॉर्म पे साइन तुमने किया? हाँ, बस ये छोटी सी गलती मेरे से हो गई। इतना तो चलता है। अच्छा हाँ, वो क्या थी खास बात जो कह रहे थे तुम करने आए? जी सर, वो मैं चाहता हूँ कि इस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल आप बन जाएं। डायरेक्टर जनरल? बेटा लोग क्या कहेंगे कि दामाद ने पार्टी ज्वाइन करते ही सुसर की प्रमोशन कर दी? कोई बात नहीं सर, सर आप और मैं अल्लाह को जवाब दें, किसी और को नहीं। सर सच कहूं, क्या बात कही है, जितनी करप्शन है इस डिपार्टमेंट में, यू आर द बेस्ट ऑप्शन। आपके अलावा कोई इस चीज को सॉर्ट नहीं कर सकता। सर ये फेवर नहीं है, आप वाकई डिजर्व करते हैं। ये क्या मतलब, पावर का सही यूज, सही जगह यूज। अच्छा लगेगा अगर आप एक्सेप्ट करें। सही बंदा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। पहचाना? सर आप खाना क्यों बना रही हो? मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना नहीं बना सकती। कि बिल्कुल बना सकती, बनाना चाहिए। अच्छी बात। तो आपसे ना दो बातें पूछनी थी। पहली बात ये कि आप इतनी प्यारी क्यों? सच्ची में ये बात मैं सिर्फ शामिल को बता सकती हूँ। चलो कोई बात नहीं, दूसरी बात।
ये सही था। शामीर साहब का खाना रेडी हो गया? हाँ, तुम्हारे शामीर साहब का खाना रेडी हो गया, बिल्कुल उनकी पसंद का। जाओ बता दो उनको। लकी है शामीर साहब, इतनी प्यारी बीवी मिली है, उसका मन पसंदीदा खाना ऐसे कुछ मिले। फजल बख्श की तरह बात कर रहे हैं। चलो भागो यहाँ से, जाओ। यार ऐसे यार क्या बात है, नमाज़े का खाना बनाया उसके लिए। भाई यार वैसे आपके हाथ तो बड़े खूबसूरत है, सुभान अल्लाह। शामीर साहब को पता चल गया ना, खैर नहीं होगी तुम्हारी। नहीं कुछ नहीं होगा, यूं नहीं तरस का काम आया। क्या रहा होता है बनो मत ज्यादा, बताओ क्या करने आए हो? एक सरप्राइज है, वेट कर रहा हूँ बालकनी में। क्यों क्या आता है, तुम जल्दी फ्री हो जाओ आ जाओ। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, इससे बेहतर सरप्राइज है कौन। बाबा ने मुझे प्रमोशंस का बता दिया। अच्छा देखिए, तुमने उनकी प्रमोशन मेरी वजह से कराई है ना? बिल्कुल भी नहीं, ये अलग बात है, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन प्रमोशन तुम्हारे बाबा की ईमानदारी की वजह से। एक और सरप्राइज है बताओ। यार ये वस्ती सही जगह हो जाते हैं भाई, वस्ती देखने दो। ऐसे रह रहे थे तो बोर नहीं लगता, ड्रामा बातचीत होती रहती है ना। मैं जानता हूँ, जब हमारी शादी हुई है सब कुछ इतना परफेक्ट नहीं है, अगर हो जाए। फिलहाल अभी के लिए तो मैंने ये अप्लाई कर दिया, 2-3 महीने पहले कर दिया था। शामिर मुझे लगा मैं इस साल सीएसएस दे नहीं पाऊंगा। बता भी नहीं रही मुझे। हाँ लेकिन मैं कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहती थी फर्दर, बस ये मेरा पार्ट है, इसको पूरा करना मेरा काम है। क्या बात है, इट्स नॉट बैड यार, क्या बात है। आज फजल बख्श जिंदा होता कितना प्राउड फील करता। तुम्हें पता है एक्साइटेड तो मैं हूँ, बट तुम्हें पता है मेरी कोई तैयारी नहीं है, इतने दिनों से कुछ पढ़ ही नहीं रही, कोई आइडिया ही नहीं है, सब रिवाइज करना पड़ेगा दोबारा। इंग्लिश लिटरेचर तो कर लूंगी आते ही मैं, और उर्दू लैंग्वेज तो मैं बहुत आसानी से कर लूंगी आई थिंक। I think it's political sciences that I will be stuck. इसमें कैसे देखा? शीशे शीशा होगा ना? ऐसे ये खतरा है। मेरे और जो भी खबर मिले छोटी हो या बड़ी मुझे डायरेक्टली रिपोर्ट करो, किसी और को नहीं। देखो मैं जानता हूं कि बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, लेकिन प्लीज प्लीज ट्राई टू कम डाउन, ठंडे दिमाग से हम सोचने में करना है। पापा ये छोटी बात नहीं है, आपके घर पे अटैक हुआ है, शिब्रा पे अटैक हुआ है, जिसने भी किया ना मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। बेटा मैं कब कह रहा हूँ कि छोटी बात है, I'm taking it seriously as well. लेकिन इस तरह मसले का हल नहीं निकलेगा, पता लगवाएंगे लेकिन इस तरह नहीं, ठंडे दिमाग से, we have to calm down. शामिर दाऊद सही कह रहे हैं, you need to calm down. तुम जैसा कह रहे हो बिल्कुल वैसा ही होगा,
शुक्र करो कि तुम दोनों को कुछ हो नहीं गया, नहीं तो इमेजिन क्या होता। ठीक हो ना? गोलियां चल गई हैं ऐसे कुछ? ऑफ कोर्स नॉट, पता भी नहीं चलेगा। आई मेक श्योर राइट। टेंशन हो गई भाई इस बंदे को। इसने देख लिया भाई बंदे ने। ये तो बढ़िया था, मतलब यहाँ तक तो मतलब थोड़ा बहुत थोड़ा सा मतलब इतना बोर नहीं था ये एपिसोड। सही लगा। अब मतलब यहाँ तक का एपिसोड जो था उनके जो वो बातचीत हो रही है तो उसमें काफी मजा आता है। नहीं, इन दोनों की वो जो नोकझोंक होती है ना वो देखने में थोड़ा मजा आता है। हाँ, सही रहता है। वो एक सही था, थोड़ा कॉमेडी भी होती है और बातचीत भी होती है। एपिसोड्स में यार पॉलिटिक्स ज्यादा हो गई, पॉलिटिक्स ज्यादा और रोना धोना भी ज्यादा हो गया था। इसमें तो ठीक है, हाँ हंसी मजाक चल रही है, हंसी मजाक चल रही है और चलती भी रहनी चाहिए गाइस। तो गाइस एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन को दबाना मत भूलना गाइस, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।